अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की बिरयानी। अक्सर हम बनाया करते हैं चिकन की बिरयानी, मटन की बिरयानी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की बिरयानी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने गैस का चूल्हा ऑन किया है, उस पर हमने कढ़ाई रखी हुई है, उसमें हम एक कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तब मैंने ये दो अदद छोटी प्याज ली हुई है, उसे पतली स्लाइस काट कर हम इसमें शामिल करेंगे और उसे हम इवनली गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। अभी इस तरह इवनली कलर की प्याज हो चुकी है, अब हम इसे गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे और इसे हम निकल प्लेट में निकालेंगे। फिर से गैस का चूल्हा ऑन करेंगे और फिर हम उसी ऑयल में 2 टीस्पून शाह जीरा, 1 जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 6 इलायची शामिल करेंगे। इन खड़े गरम मसालों को हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे अच्छे से भूनेंगे। जब इस तरह अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून जाए और अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो, तब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि अदरक लहसुन हमारा जले नहीं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 से 2 मिनट तक उसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। दो अदद तेज पत्ता और उसकी भुनाई करेंगे। हमने 2 से 3 मिनट उसकी अच्छी सी भुनाई करी है। इस तरह ऑयल नज़र आ रहा है और मसालों की अच्छी सी खुशबू आ रही है, तब 2 अदद टमाटर को छोटे क्यूब में काट कर हमें शामिल करना है और स्वाद अनुसार नमक, उसे अच्छे से मिक्स करना है और हमें इन टमाटर को 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाए। टमाटर अब अच्छे से मैश हो चुके हैं इस तरह। अब हमें 1/2 कप दही शामिल करना है फेंट कर और उसे अच्छी तरह भूनना है। हमें इसे इतना भूनना है दही का पानी पूरा खुश्क हो और ऑयल उसके सतह पे नज़र आए। ऑयल जब इस तरह सतह पर नज़र आए तब उसमें हम ये फ्राइड की हुई प्याज, उसे हाथ से चूरा करेंगे और थोड़ी मैंने बचा के रखी हुई है वो शामिल करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा पानी और उसे मिक्स करेंगे। हमने उसके 5 मिनट तक अच्छी भुनाई की हुई है, किस तरह खिला कलर नज़र आ रहा है। अब हमें 7 अदद अंडे लिए हुए, उसे अच्छी तरह बॉईल किया हुआ है,
वो हम शामिल करेंगे। इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये अंडों में सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसमें हम 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे पुदीना के पत्ते और 3 अदद हरी मिर्च साबुत और इसे मिक्स करेंगे। गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे। इसे हम आप साइड में रख देंगे। ये मैंने 3 कप बासमती राइस लिया हुआ है, उसे 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा हुआ था। एक पतीला लिया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारा पानी शामिल किया हुआ है। इसमें हम 2 अदद तेज पत्ते, 2 हरी मिर्चें, हरी इलायची और 1 दालचीनी, 1 टेबलस्पून ऑयल और चावल के अनुसार नमक। इस भीगे हुए बासमती राइस को हमें शामिल करना है। इस पानी को हमें हल्का गर्म होने देना है। चावल को हमें इतना पकाना है जब तक कि वह 70 से 75% ऑलमोस्ट पक जाए। तेज पत्ता, हरी इलायची और हरी मिर्च और दालचीनी डाली हुई थी वो हम डिस्कार्ड करेंगे। इस तरह निकालो। चावल अब हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इस तरह इसी बाइट बाकी है तो हम गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे और इन चावलों को हम छन्नी में ड्रेन करेंगे। एक पैन लेंगे, मैं ये चावल की 1 लेयर शामिल कर दूँ। उसमें हम ये सारा मसाला फैलाकर डालेंगे उस पर और इन बचे हुए चावल को ऊपर से डालेंगे फैलाकर। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 1 टीस्पून रोज वाटर शामिल। मैंने थोड़े से गरम दूध में केसर मिलाकर रखा हुआ था, ये ऊपर से हम फैलाकर चावलों पर डालेंगे और 1 टेबलस्पून असली घी। चावलों पे हम थोड़ी फ्राइड ओनियन डालेंगे। उसे तेज आंच पे हम ढक्कन ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे की लो को धीमा करेंगे और उसे 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। गैस का चूल्हा मैं ऑफ कर दूंगी। इस बिरयानी को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऐसा हरा धनिया से गार्निश करेंगे, थोड़ा पुदीने के पत्ते, फ्राइड कीवी प्याज। तैयार है हमारी अंडे की बिरयानी। इसे आप गर्मा गर्म कोई भी रायते या चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपना, अपने घर वालों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।